दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो हमारे घर में हो चुकी है पूजा। गणेश जय गणेश देवा। ये देखिए, अब हम निकलने वाले मंदिर, थाली रेडी है मंदिर के लिए। और क्या रचना रेडी है? रचना मंदिर के लिए रेडी। ये भैया रचना ने पहना है येलो प्योर इंडियन। हाँ, रचना को हो रही सर्दी, आप लोगों ने शायद रचना डाला नहीं, मगर वो अभी नेबुलाइजर ले रही है। यहाँ मौसम चेंज हुआ है तो गीत को, मेरे को और रचना को फिर से हल्का हल्का जुकाम हो गया है। रचना ये वाला रूप तो दिखा दो लोगों को यार। ओपन गीत ने क्या पहना? गीत इधर आओ, मंदिर चलना बंद। क्या पहना आपने? टीका लगाया? टीका टीका दिखाओ। जेजे करा आपने? जेजे करा दिखाओ तो। जेजे शर्मा क्यों रहे भैया? जेजे कर लिया है, शर्मा रहा है मेरा बच्चा। मंदिर चलना है, जेजे करना है, शिव जी की जय। आए हाय। तो दोस्तों रचना कह रही कि मैं भी पहन लूं कुछ कुर्ता पजामा टाइप, मंदिर जा रहा है रचना को मैचिंग आए, मगर मेरे पास एक भी धुला नहीं। और मंदिर जाते तो धुला वो पहन के आते हैं। क्यों रचना पहले क्यों बताया नहीं? तो मैं ही पहन लेता ना कुर्ता पीले कलर का, धोने चाहिए ना टाइम पे। याद तो पहले याद ही नहीं रहा ना यार। अरे क्या छुट्टी है? और आज किस किसने उपास रखा है जल्दी बताओ? धुला नहीं रखा है, एक भी नहीं रखा। वो तो अब टाइट हो गए, मोटा आ गया मेरे पे भी, तो वो वाले नहीं पहन सकते। आओ गीत घूमने चले, घूमने जाओ। चलो चलो दोस्तों, अभी हम आए हैं शिवजी के मंदिर में। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मंदिर उस कॉलोनी में है जहाँ हम 2-2.5 साल रहे हैं इंदौर आने के बाद किराए से। और इस मंदिर में हम डेली आते थे। इस मंदिर में भगवान जो है उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। हमने अपना घर खरीद लिया। यहीं से जाने के बाद गीत हुई हमारे नए घर में, हमने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो इसीलिए हम इस मंदिर में हर साल आते हैं, महाशिवरात्रि पर, जन्माष्टमी पर। ये मंदिर बहुत पॉजिटिव है और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। गली है जहाँ हम इंदौर जब आए थे तब किराए से रहते थे। एंड मैंने पूरी प्रेगनेंसी इसी घर में, वो जो घर दिख रहा है ना आपको, ये वाला घर, ये बीएल वर्मा लिखा हुआ है, ये वाला घर, इस घर में नीचे हम रहते थे। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, अभी किसी घर जाना सही नहीं होगा। कौन था? तो इसी गली में, इस गली हम जा रहे हैं। बहुत घूमते थे दोस्तों। ये जगह मतलब बहुत पॉजिटिव थी, पास में मंदिर था, मम्मी चली जाती थी शाम को, मैं चली जाती थी वॉक करने के लिए। प्रेगनेंसी में पूरा वॉक हम वहीं करते थे। मतलब लोग भी बहुत अच्छे थे क्योंकि सभी ये जो अभी गार्डन हमने दिखाया ना वहाँ पे हम टहलते थे शाम को खाना खाके आए। और एक गार्डन हो रही है यहाँ पे, तो रचना जब यहाँ टीचर थी तो यहाँ उसके स्टूडेंट बहुत सारे थे, तो इस मंदिर भी आते थे। जो गार्डन है वहाँ पे भी खेलने की चीज थी बच्चे की। और दूसरा गीत के जो स्टूडेंट है
या इसी आसपास बहुत सारे हो गए हैं यहाँ, मतलब मुझे अच्छे लोग लगे थे। अभी जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे मतलब ऐसे जलन वाले वैसे लोग हैं यार, ऊपर से मंदिर भी नहीं बना पा रहे क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी है वहाँ पे लोगों को, हम बनाए वाली। आज तो जगह जगह मतलब एक त्योहार ही है हमारा। हम एक और गणपति जी का मंदिर है, ये हमारा एड्रेस का वो था लैंडमार्क खड़ा गणपति जी, बड़ा मजा आता था। ऐसा नहीं किराए का घर था, 1 BHK था, है ना। BHK में हॉल जैसा जो था, 10x10 का हॉल था और 10x10 का ये बेडरूम था। हॉल तो कह ही नहीं सकते, दो छोटे रूम थे और एक किचन और जरा सा बाथरूम, एक लेट बाथ था, लेट बाथ एक ही कॉमन था। मगर 2 से 3 लोग हो जाए तो बड़ा मुश्किल आता था। बहुत साल निकले अपने वहाँ, 3 साल 2 साल ना, 17 में आए थे मार्च में, 18 19 अगस्त में शिफ्ट हो गए थे, 2.5 साल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6.5 साल निकाले एग्जैक्ट। 21 अगस्त को गए थे, 16-17 मार्च को आए थे। तो ये घर था और फिर हमारा अपना घर बस। और इस घर की खासियत ये जो लोग कहते हैं कि अपने घर में जाते हैं, जैसे मकान वाले हमको कहते थे, जिस घर में जो किराए से रहने आता है वो फिर अपने ही घर में जाता है। और हमको एक्सपेक्ट नहीं था कि हम इंदौर में घर ले पाएंगे, बल्कि हम लोग भोपाल से हैं, यहाँ से जॉब करने आए थे, इंदौर में घर हो गया और बड़ा अच्छा लगा इंदौर से। 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आप देख ही सकते हैं रोडों को, और 6 बार भी आएंगे, अब चक्का लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज महाशिवरात्रि है, सारे रास्ते में शिव जी के ही बम बम बोले गाने बज रहे हैं और सब झूम रहे हैं मस्ती में। इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, ख़त्म करते हैं और हम आपसे मिलेंगे अगले किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय।